मैं अंजलि कुमारी, गेस्ट फैकल्टी, इतिहास विभाग, डीएवी पीजी कॉलेज सीमा। आज की चर्चा का विषय है संथाल विद्रोह। भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के साथ ही उनका प्रतिरोध भी प्रारंभ हो गया था। ब्रिटिश शासन का कुप्रभाव सिर्फ किसानों पर ही नहीं हुआ, बल्कि आदिवासी भी इससे बुरी तरह प्रभावित हुए। इनका विरोध मुख्यतः जमीन की बेदखली, संबंधी महाजनी और सरकारी कर्मचारियों के अत्याचारों और सांस्कृतिक परंपराओं पर हुए आघातों से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण हुआ। चुआर विद्रोह, हो विद्रोह और 1831-32 में हुए कोल विद्रोह की अगली कड़ी संथाल विद्रोह के रूप में हुई, जो आदिवासियों के सशक्त विद्रोह को दर्शाती है। संथाल बिहार में बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के पर्वतीय इलाकों मानभूम, बड़ाभूम, हजारीबाग, मिदनापुर, बांकुड़ा और सिंहभूम क्षेत्र में बसे हुए थे। इस क्षेत्र को 1832-33 से तामन और को के नाम से भी जाना जाता था। संथाल लोगों का आर्थिक जीवन स्वावलंबी और स्वच्छंद था। जंगली भूमि पर जगह बदल कर खेती कर लेते थे, इसे झूम और पड़ू विधि भी कहते हैं। जंगल से ये ईंधन और पशु के लिए चारे प्राप्त कर लेते थे। इसी तरह सामाजिक व्यवस्था में मांझी की व्यवस्था थी। इनके समाज में भी कई स्तरीकरण थे, परंतु सामाजिक सौहार्द बना रहता था। ऊपरी स्तर पर वे लोग आते थे जो जंगलों को साफ करते थे, उसके बाद उनके संबंधियों का स्थान आता था। सबसे नीचे कुछ हिंदू लोग यथा ग्वाले, लुहार, बढ़ई, कुम्हार, जूलाहे, धोबी, नाई आदि थे। इस समाज की अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका सहायक की होती थी। अंग्रेजी ने उनकी मांझी व्यवस्था को नष्ट कर दिया। इसी तरह संथालों का अपना राजनीतिक ढांचा भी था। बुढ़ा पंचायत के द्वारा सारे क्षेत्रों पर उनके प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता था। उनके सरदार उनके द्वारा चुने हुए या मनोनीत हुआ करते थे, जो उनके हितों की रक्षा का ख्याल रखते थे। गांव की लगान एक साथ राजकोष में जमा किए जाते थे। उसी तरह धार्मिक रूप से वे पूर्णतः स्वतंत्र थे। वे धार्मिक अनुष्ठानों के लिए भी अपने लोगों में से ही पुरोहितों या पाहन का चुनाव करते थे। ये पुरोहित उनके पूर्वजों एवं उनके ठाकुर अर्थात भगवान के साथ उनका संबंध स्थापित करते थे। परंतु ब्रिटिश शासन की शुरुआत ने ही उनके जीवन को तहस नहस कर दिया। अंग्रेजी सरकार ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए भू स्वामित्व की एक ऐसी प्रणाली बनाई जिसने जमींदारी व्यवस्था को जन्म दिया। उनके सरदारों को ब्रिटिश अधिकारियों ने जमींदारों का दर्जा दे दिया, जिससे वो जमींदार ब्रिटिश उपकरण की तरह कार्य करने लगे। लगान की एक नई प्रणाली लागू कर दी, जहाँ सभी लोग एक जगह लगान देते थे, अब वह व्यक्तिगत रूप से लगान लगाया जाने लगा। इसके अलावा उनके हर उत्पादित वस्तु पर सरकार ने नया कर लगा दिया, और यह कर इतना अधिक था कि पहले से वसूल की जा रही कर में तिगुनी वृद्धि हो गई, जो संथाल कृषकों की स्थितियों और क्षमताओं से अधिक थी। इसके अलावा नए करों की वसूली के लिए मैदानी इलाकों से खासकर उत्तरी बिहार के लोगों को बहाल किया गया। उनके साथ व्यापार करने के लिए बाहर के व्यापारियों को भी प्रोत्साहित किया गया। इस तरह बाहरी लोग, जिन्हें संथाल लोग दिकू कहते थे, उनकी जनसंख्या में काफ़ी वृद्धि हो गई। इस तरह न केवल उनके आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचे को तहस नहस किया गया, बल्कि उनकी धार्मिक अवस्थाओं पर भी प्रहार किया गया, और वे काम मशीनरियों द्वारा बहुत ही सफाई से किया जाता था। इस तरह औपनिवेशिक शासन ने उनकी इन सभी व्यवस्थाओं को छत विछत कर उनकी स्थिति को अत्यंत दुर्बल बना दिया, और ऐसी आर्थिक दुर्बलता ने साहूकारों और जमींदारों के लिए एक आदर्श स्थिति बना दी।
जिससे वे अपने पैर मजबूती से जमा सकें। समय पर लगान नहीं देने के कारण उनकी जमीन नीलाम की जाने लगी। सरकारी कर्मचारियों की लूट खसोट और कपट ने संथालों का आर्थिक मेरुदंड तोड़ डाला। इस स्थिति से बचने के लिए संथालों ने गांव के महाजनों और साहूकारों से उचित ब्याज दर पर ऋण लेना प्रारंभ किया। कभी कभी इन ब्याजों की दरें 50% से लेकर 500% तक हुआ करती थी। फिर इन ऋणों के लेखा जोखा में भी गड़बड़ी कर दी गई, जिससे इनके ब्याज का दर काफ़ी बढ़ने लगा। और जब ऋणों में भारी वृद्धि हुई, तब संथाल उन्हें देने में सक्षम न हो पाए। ऐसी स्थिति में साहूकारों और महाजनों ने उनकी ज़मीन पर कब्जा करना शुरू किया और बेगार करवाने लगे। उनकी बहु बेटियों के साथ भी खिलवाड़ किया जाने लगा। संथालों ने जब इस अत्याचार के विरुद्ध पुलिस और न्यायालय की शरण लेने की कोशिश की, तो ये सब बेकार साबित हुए, क्योंकि वे भी एक ब्रिटिश साम्राज्यवाद के शोषण के ही उपकरण साबित हुए और इन सब में इनकी भी मिली भगत हुआ करती थी। ऐसे में संथालों के ऊपर संकट उस समय तब गहराया जब सरकार ने भागलपुर से लेकर वर्धमान के बीच रेल परियोजना को कार्यान्वित करना चाहा और बड़ी संख्या में संथालों को बेगारी के लिए मजबूर किया गया, अन्यथा उन्हें कोरों से पीटा जाता था। संकट तब गहराया जब स्थानीय साहूकार ने मामूली चोरी के अपराध में दारोगा से संथालों को गिरफ्तार करवाया। आवेश में एक संथाल ने दारोगा की हत्या कर दी। इसका समर्थन सभी संथालों ने किया। वे गिरफ्तारी होने के भय से एक जगह इकट्ठे हो गए। 30 जून 1855 को भगनीडीह में 400 गांवों के करीब 10,000 संथाल प्रतिनिधि एकत्रित हुए और एक स्वर से विद्रोह का निर्णय लिया। उनके विद्रोह का मुख्य उद्देश्य था, पहला, बाहरी लोगों को भगाना, दूसरा, विदेशियों का राज हमेशा के लिए समाप्त करना, और तीसरा, न्याय एवं धर्म का राज स्थापित करना। इसके नेता थे सिद्धो, कान्हू, चांद, भैरव, फूलो और चानो। सिद्धो ने कहा कि उनके ठाकुर ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। सिद्धो और कान्हू ने संथालों को स्वराज का भी सपना दिखाया। उन्होंने लोगों से अपील की कि कृषि कर के लिए एक नया मापदंड स्थापित किया जाएगा तथा ब्याज की संशोधित निश्चित दर की रूपरेखा भी प्रस्तुत की जाएगी, और उसने अपने आप को सूबा यानी गवर्नर घोषित कर दिया। शीघ्र ही करीब 60,000 संथाल जमा हो गए और उन्होंने महाजनों एवं जमींदारों पर हमला करना शुरू किया। उन्होंने साहूकारों के मकानों के साथ साथ कचहरियों के उन दस्तावेजों को भी जला दिया जो उनकी गुलामी के प्रतीक थे। पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और डाक ढोने वाली गाड़ियों को भी जला दिया गया। रेलवे इंजीनियरों के बंगलों को भी जला दिया गया। मैदानी लोगों की खड़ी फसल को जला दिया गया। इसके संगठित विद्रोह को कुचलने के लिए सेना का सहारा लेना पड़ा। मेजर जनरल वड़ी के नेतृत्व में सेना की 10 टुकड़ियां भेजी गईं। संथाल विद्रोहियों ने उन्हें करारी मात दी। तब कैप्टन अलेक्जेंडर और लेफ्टिनेंट थॉम्सन के नेतृत्व में सेना की टुकड़ियाँ भेजी गईं। उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और विद्रोही नेताओं की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया गया। करीब 15,000 संथाल मारे गए। अगस्त 1855 में सिद्धो मारा गया। कान्हू 1856 में पकड़ा गया। धीरे धीरे विद्रोह की आग ठंडी पड़ गई और संथाल विद्रोह शांत हुआ, पर यह विद्रोह निरर्थक नहीं गया। विद्रोह समाप्ति के बाद सरकार ने संथाल बहुल क्षेत्र के लिए प्रशासन की विशेष पद्धति के अधीन भागलपुर एवं वीरभूम से कुछ क्षेत्रों को काटकर संथाल परगना जिला बना दिया। पुनः संथाल परगना टेनेंसी अधिनियम पारित किया गया। सामाजिक व्यवस्था मांझी को पुनः बहाल किया गया। 37वें अधिनियम द्वारा 1856 में एक विनियमन लागू किया गया, जिसके अनुसार संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया।
भागलपुर के कमिश्नर के अधीन संथाल परगना के लिए एक पृथक डिप्टी कमिश्नर की नियुक्ति की गई। इस तरह हम देखते हैं कि संथाल विद्रोह एक सशक्त क्रांति के रूप में प्रकट हुआ था। इस आंदोलन को ब्रिटिश साम्राज्य की सुनियोजित सत्ता से टकराना था, अतः उनका असफल होना स्वाभाविक था। स्पष्ट है कि विद्रोहियों के हथियार परंपरागत और दकियानुसी थे। वे तीर धनुष एवं भाले बरछे का प्रयोग करते थे, जबकि ब्रिटिश सैनिक अत्याधुनिक शस्त्रों से लैस थे। इस स्थिति में संथालों का प्रतिरोध बहुत समय तक नहीं टिक सका, लेकिन इसकी महत्ता को दिखाते हुए कार्ल मार्क्स ने भी माना कि 7 महीने यह लगातार छापामार युद्ध के रूप में 1856 में ही यह विद्रोह दबाया जा सका, जो आर्थिक शोषणों के विरुद्ध हुआ था।